बड़ी खबर शिवपुरी जिले से है, जहां आज बिरार थाना परिसर में नशा मुक्ति को लेकर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने बैठक की। पुलिस को दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश। बिरार थाना परिसर में बुधवार शाम को पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने नगर के प्रबुद्धजनों और पुलिस अधिकारियों के साथ नशा मुक्ति को लेकर बैठक की। बैठक में मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्मैक के नशे पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं और थाना प्रभारी ने मंत्री को स्मैक के नशे के विरुद्ध सख्त अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर बिरार थाना प्रभारी नवीन यादव ने थाना प्रांगण में बने बजरंगबली के मंदिर के सामने कार्रवाई करने की कसम खाई और कहा, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, स्मैक को जड़ से खत्म करने का प्रयास करूंगा, नहीं कर पाया तो बिरार छोड़ दूंगा। बिरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज मेरे मन में भाव आया तो मैं थाने में आया और 15-20 दिन से शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में स्मैक बहुत ज्यादा लोग बेचने वाले आ रहे हैं, हमारे बेटा बेटी पीना सीख गए। तो मैंने अपने स्टाफ को और माननीय थाना प्रभारी भाई साहब को और सभी गणमान्य जनों को मैंने एकत्रित किया और सबसे राय ली और सबका एक ही मत था कि बेड़ार में स्मैक को टोटल बंद किया जाए। तो उस पर आज मेरे को थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के बाद हम बेड़ार में स्मैक को ढूंढी नहीं लेने देंगे और कहीं मिलती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, बेचने वाले को जेल भेजेंगे और पीने वाले को भी भेजेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है मेरे स्टाफ पे कि इसमें सुधार आएगा, निश्चित आएगा और बहुत जल्दी ये रेट हमारे सामने आएगा। पूर्व में कई इसमें अच्छी पकड़े भी जा चुके हैं, यहाँ तो यहाँ से बताया गया है कि सिफारिश के तौर पर छुड़ा दिया जाता है उनको। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्यों मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा उसूल है और मेरा मन में भाव है कि हम गंदे लोगों की सिफारिश, मेरा कोई भी व्यक्ति भाजपा का एक भी कार्यकर्ता सिफारिश नहीं करता, ना की ना आगे करेगा। वो आज भी इसलिए सारे नेतागण एकत्रित हैं, सभी भाजपा के परिवार हैं, सभी दलों के लोग यहाँ, और सबने एक ही सुझाव दिया कि इसकी हम कोई भी व्यक्ति सिफारिश करने हम थाने में नहीं आएंगे। और हम सबने निर्णय लेके थाना प्रभारी को कहा यदि कोई सिफारिश करता है तो उसके साथ साथ हमको भी मुलजम बना के आप जेल भेज दो, हमको कोई उसकी परवाह नहीं।